खेड़ा जिले के महिमदाबाद गांव के पास वात्रक नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक रोजा रोजी का मकबरा अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। रोजा रोजी मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान है। करीब 460 वर्ष पुराना यह ऐतिहासिक मकबरा शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। यही कारण है कि आज यह स्थल पर्यटक स्थल बना हुआ है। सुल्तान कुतुबुद्दीन बहादुर शाह के समय ईस्वी सन 1526 से 1533 के समय में सेनापति रहे अमीर उल उमरा सैयद मुबारक बुखारी का यहां विशाल मकबरा है, जो रोजा के नाम से प्रसिद्ध है। पास में उनकी पत्नी के दो भाइयों सैफुद्दीन और निजामुद्दीन के मकबरा हैं, जिसे रोजी के नाम से जाना जाता है। रोजा में सैयद मुबारक के साथ साथ उनके पुत्र सैयद मीरान का मकबरा है, जबकि रोजी में सैयद मुबारक के परिवारों की महिलाओं की भी कब्र है। इसका निर्माण शाहजादा सैयद मीरान बुखारी ने ईस्वी सन 1560 में 2 लाख रुपए में कराया था, जिसका विस्तार 64 वर्ग फीट है। बासठ स्तंभों पर टिके रोजा की ऊंचाई 60 फीट है, जिसमें 4 गुंबद हैं। इस रोजा में 3 लेख हैं, जिनमें धार्मिक व नैतिक सूत्र लिखे हैं। हर बार स्तंभों की संख्या अलग ही आती है। इस रोजा की विशेषता उसके स्तंभों की है। एक मान्यता ऐसी है कि रोजा रोजी की दरगाह के स्तंभों की गिनती की जाती है तो हर बार संख्या अलग ही आती है। इसका मुख्य कारण दरगाह के आर्किटेक्चर डिजाइन है। स्तंभों का इस प्रकार बनाए गए हैं कि उनकी गिनती में हर बार गलती हो जाती है। विशेषकर युवक तो स्तंभों की गिनती करने के लिए ही स्पेशल जाते हैं। गिनती में गलती नहीं हो, इसके लिए स्तंभों पर नंबर लिखकर गिनती करते हैं। इसमें 66 स्तंभ हैं। इसके अलावा सिदी सैयद की जाली की तरह इस दरगाह की जालियां भी फूलों की तरह बनाई गई हैं।
इस हेरिटेज स्थल पर 5 वर्ष पूर्व पुरातत्व विभाग की ओर से सर्वे किया गया और आवश्यक सुविधाओं के संबंध में सरकार को जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से रोजी की हालत जर्जर होती जा रही है।